जिले में लंबे समय से भाजपा का कब्जा था, लेकिन विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने जो बढ़त बना ली उससे लग रहा था कि जिले में सभी चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहेगा, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को जरूर अच्छी बढ़त मिली, लेकिन पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए हैं वो कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। दरअसल जिले के 14 जिला पंचायत क्षेत्रों में से 7 में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, वहीं 5 में कांग्रेस जबकि 2 में निर्दलियों ने जीत हासिल की है। हालांकि कांग्रेस इन्हें अपना प्रत्याशी बता रही है, वहीं इन सब के बीच अध्यक्ष पद की कुर्सी कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि कवर्धा जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। वहीं अब सत्ताधारी दल को उपाध्यक्ष पद के लिए ही लड़ना होगा, हालांकि ये भी भाजपा के ही पक्ष में जाते नजर आ रहा है। विधायक ने कांग्रेस पार्टी ने किसी की को अधिकृत नहीं किया था, एक वहां से जीतना है और एक हमारा जो उसको पार्टी ने अधिकृत नहीं किया था, लेकिन पूर्णता वो कांग्रेस ही है और वो 5 नंबर से जीत के आया है। इस प्रकार हमारे जिला पंचायत में 7 प्रतिनिधि जीतकर आए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षित सीट है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती सुशीला भट्ट जी जीत के आए हुए हैं और जिला पंचायत में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और अब खबर ग्वालियर से है।